सारांश में आपका हार्दिक स्वागत है। सारांश की इस कड़ी में आइए बात करते हैं अहोई अष्टमी व्रत के बारे में। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की उन्नति, प्रगति और दीर्घायु के लिए होता है। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। जिस दिन वार की दीपावली होती है उससे ठीक एक सप्ताह पूर्व उसी दिन वार को अहोई अष्टमी पड़ती है। व्रत करने वाली स्त्री को इस दिन उपवास रखना चाहिए। सायंकाल दीवार पर अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाएं। पुतली के पास सेई व सेई के बच्चे भी बनाएं। चाहे तो बना बनाया चाट आप बाजार से ला सकती हैं। सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा प्रारंभ करने से पहले जमीन को साफ कर लें। एक लोटे में जल भरकर एक पटरी पर कलश की तरह रखकर पूजा करें। पूजा के लिए माताएं पहले से चांदी का एक अहोई या स्याऊ और चांदी के 2-3 मोती बनवाकर डोरी में डाल लें। फिर रोली, चावल व दूध भात से अहोई का पूजन करें। जल से भरे लोटे पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा सामर्थ्य अनुसार रुपए का बायना निकाल कर रख लें और हाथ में 7 दाने गेहूं के लेकर कथा सुनें। कथा सुनने के बाद अहोई की माला गले में पहन लें और जो बायना निकाला था उसे सासू जी का चरण स्पर्श कर उन्हें अर्पित कर दें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करें। दीपावली के पश्चात किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगाएं और जल के छींटे देकर आदर सहित स्वच्छ स्थान पर रख दें। जितने बेटे अविवाहित हों उतनी बार एक एक तथा जितने बेटों का विवाह हो गया है उतनी बार 2-2 चांदी के दाने अहोई में डालते जाएं। ऐसा करने से अहोई देवी प्रसन्न होकर बेटों को दीर्घायु कर घर में मंगल करती है। इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है।